गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीपीएस पब्लिक स्कूल कोटवा इलाहाबाद। जैसा कि हम क्लास नाइन्थ में बहुपद का चैप्टर स्टार्ट किए थे पॉलिनोमियल्स, आज उसी चैप्टर में हम आगे चलेंगे। हमने बहुपद का लिखने का तरीका, बहुपद को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका, टाइप ऑफ बहुपद, एकपदी, द्विपदी, बहुपदी या त्रिपदी जिसे कहते हैं, और बहुपद का एडिशन, पॉलिनोमियल्स, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आज हम उसी पर चलेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम जिस तरीके से एडिशन करते थे पॉलिनोमियल्स का, उसी मेथड में हम पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाएंगे। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल्स है f1x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, कोई एक पॉलिनोमियल्स है। दूसरा पॉलिनोमियल्स f2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, दो पॉलिनोमियल्स है, दोनों को घटाना है। घटाने के लिए एक हम fx लेंगे, घटाने का साइन होता है f1x माइनस f2x, f1x में से f2x को घटाना है। f1x क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 माइनस, अब यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां का साइन प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस है तो यहां का साइन बदलकर प्लस हो जाएगा, और यहां प्लस है तो प्लस का साइन बदलकर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, हमने बोला था कि जितने भी एक समान बहुपद है, एक तरह के बहुपद है, हम उसे एक तरफ कर लेंगे या उनको आसपास ला लेंगे। जैसे इसमें है तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 7 माइनस 8 हो गए। अब घटाएंगे हम, 3 में से 4 माइनस करेंगे घटेगा नहीं घटेगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, लेकिन साइन कौन सा, जो बड़ी संख्या है माइनस का, x स्क्वायर, यहां से माइनस और प्लस है तो घटेगा, घटेगा 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, साइन कौन सी जो बड़ी है, माइनस 4 माइनस साइन बन गया x, यहां प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घटेगा 8 में से 7 घटाओगे तो 1, साइन कौन सी माइनस का, और सब में माइनस साइन है इसीलिए हम माइनस कॉमन लेंगे या माइनस लिखेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन, इसका ये क्या है, इसका ये आंसर है। इसी तरीके से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा समझ में, जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं, हम एडिशन में क्या करते थे कि पॉलिनोमियल्स के एडिशन में इसको प्लस करते थे, दोनों को जोड़ देते थे, आसान था वो भी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना मतलब ये भी तो आसान है, पर जहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स का जो बहुपद है उसके सारे पद का साइन बदल जाता है, दूसरे बहुपद का, पहले का कुछ नहीं बदलेगा लेकिन दूसरे बहुपद का सभी साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन पर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर
प्लस 8x माइनस 9 बहुपद में से 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बहुपद को घटाएंगे। ओके, हमें क्या करना है, हम अलग होकर f1x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 लिखेंगे। दूसरे बहुपद में हम आएंगे f2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब क्या करना है, घटाना है। सर बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम एक fx लिखेंगे और इसको लिखेंगे f1x माइनस f2x। f1x में क्या लिखा, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, जब दूसरा बहुपद लिखेंगे सभी का साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 7x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। अब क्या बोले थे हम, एक समान बहुपद को एक तरफ कर दीजिए, बाकी बहुपद को एक तरफ कर दीजिए। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x माइनस 9 और माइनस 4, ये 4 है ठीक। अब क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 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 दोनों है तो प्लस होगा। 8 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना होता है, 15, तो प्लस 15x माइनस और माइनस प्लस होता है तो 9 और 4 13 माइनस 13, ये आया हमारा आंसर। fx इज इक्वल टू, ये हमारा क्या गया आंसर, आसान, सबसे आसान ये हो गया आपका माइनस। और इसी तरीके से होता है बहुपद का मल्टीप्लिकेशन, पॉलीनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स ठीक, गुणा इसी तरीके से होता है। तो आज आपको हम गुणा करते हैं, इसका होमवर्क आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके सभी के मोबाइल में हो जाएगा ग्रुप के माध्यम से। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स ठीक। अब आसानी से जिस तरीके से हमने एडिशन किया उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरीके से उसका डिवीजन भी होता है। लेकिन इसका थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक कोई f1 लिखा गया है, f1 लिखा गया है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। दूसरा कोई f2 लिखा गया है, f2 एक कोई बहुपद है, इसका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, हम एक बड़ा फैक्टर पॉलीनोमियल्स लेंगे fx और f1x इनटू f2x कर देंगे हम, सही। आगे देखें हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले एक पद का सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक पद का, जैसे मान लें इस टर्म का, सेकंड पॉलीनोमियल्स के एक पद का मल्टीप्लिकेशन सभी पदों में करेंगे। जैसे इसमें करेंगे 3x का, तो 3 में 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और x स्क्वायर, जैसे हम इसको लिख लेते हैं, बता देंगे हम लिख लेते हैं, हमने लिखा 4x स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर प्लस 7x इनटू 3x स्क्वायर प्लस 6 इनटू
3x स्क्वायर, इसी तरीके से दूसरे में माइनस काम करेंगे, माइनस सिक्स का करेंगे हम, माइनस सिक्स के इसमें माइनस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर इनटू 6x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7x इनटू आपका 6x आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का, फिर माइनस 6 इनटू 6x और प्लस 4x स्क्वायर इनटू 3 प्लस 7x इनटू 3 प्लस 6 इनटू 3 इतना होगा। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम यहां लिखते हैं कि अगर x * x स्क्वायर * x स्क्वायर, अगर इसका बेस क्या है, बराबर है, मल्टीप्लाई दिया गया, अगर बेस बराबर है अचर पद में, अगर बेस बराबर है चर पद में, अगर बेस बराबर है, मान लेते हैं ये भी x है ये भी x है, बराबर है, और इसके पावर जो इसका पावर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x के पावर में 4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहां पे 12x के पावर में 4, यहां से करेंगे तो प्लस 7 7 3 21 और x स्क्वायर और x x के पावर में 3 प्लस 6 18 और यहां पे x स्क्वायर फिर माइनस 6 और 4 माइनस 24 x का क्यूब माइनस 42x स्क्वायर इतना कह सकता हूं, और फिर माइनस 36x फिर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 इतना सब कर लीजिए। इसके बाद जितने भी एक समान भुजा है उसको एक तरफ कर दीजिए, 12 ax की पावर 4 तो 12x की पावर में 4, उसके बाद x क्यूब देख लीजिए, x क्यूब यहां है और कहीं नहीं है, ये प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x क्यूब, आप स्क्वायर देखिए 18 यहां पे है 24 यहां पर है और 12, तो 18 में 12 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में से माइनस 42 करेंगे तो माइनस 42 माइनस 12 माइनस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, अब x का पद देख लीजिए, x का पद यहां है और ये यहां है, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 21 में से 21 को 36 में से 21 को माइनस करें कितना बचेगा, 15 होगा, यहां पर क्या आएगा माइनस 15x और कांस्टेंट पद कितने हैं हमारे 18, बस सिर्फ 18 है तो प्लस 18 ये हमारा क्या होगा आंसर, यहां से हम क्या लिखेंगे fx is equal to ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन लेंथी प्रोसेस के साथ साथ ये आपका इतना आसान है। ठीक, तो इस मल्टीप्लिकेशन का है और आप हम एक मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, आप घर बैठ के अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए, ओके, और मार्क और सबट्रैक्शन का भी क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप में जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। एक लिखा गया है fx f1x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x माइनस 6 और एक f2x दिया गया है 3x प्लस 7, ओके, दो फ्रैक्शन दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, फिर उसी तरीके से लिखना है f1x fx इज इक्वल टू, यहां से fx इज इक्वल टू f1x इन मल्टीप्लाई f2x करना है। ठीक, ये आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी ग्रुप पे आपको भेजना है। थैंक यू वेरी मच।